मंडी में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व को लेकर भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर शहर में 11 जनवरी से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जारी है। इसी कड़ी में आज शहर में भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें गतका कला, बैंड पार्टी और स्कूली बच्चों सहित बड़ी संख्या में आई संगतों ने भाग लिया। नगर कीर्तन के दौरान गतका कला का प्रदर्शन सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी मंडी के उप प्रधान गुरुचरण सिंह ने कहा कि कल गुरुद्वारे में कीर्तन दरबार सजेगा, जिसमें रागी जत्थे गुरुवाणियों के माध्यम से गुरु महाराज की महिमा का बखान करेंगे। उन्होंने लोगों से इस आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है। जो गुरु गोविंद सिंह महाराज का जो उपदेश है, वो सारे शहर को, सारे विश्व को यही संदेश है कि धर्म के लिए जो है अपना सर्वंस गुरु साहब ने वारा, अपने पुत्र, अपनी माता पिता सबका जो है गुरु साहब ने ये नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ अपना धर्म आगे रखा, तो वही उन्होंने हमें सिखाया है। श्रद्धालुओं ने कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व को लेकर नगर कीर्तन और गुरबानी पाठ से श्री गुरु गोविंद सिंह की शिक्षाओं का बखान किया जा रहा है और भारी संख्या में संगत इस आयोजन में भाग ले रही है। सतगुरु पातशाह जी का हुक्म है, एक पिता एक सके हमवार, तू मेरा गुरहाई। असी उस अकाल पुरख वाहिगुरु के बच्चे ने, ते सतगुरु पातशाह जी कहिंदे ने असी सारे ही उस अकाल पुरख वाहिगुरु के बच्चे ते भैन भरा हन, ते एक मिक हो के प्यार नाल संसार विच रह के प्यार नाल रह के उस वाहिगुरु की उस्तत करनी है। उल्लेखनीय है कि मंडी शहर में गुरु गोविंद सिंह जी का एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। अपने जीवन काल में गुरु गोविंद सिंह स्वयं यहां आए थे और 6 महीने 18 दिन तक यहां रुके थे। आज भी इस गुरुद्वारे में उनके पलंग, सितार, राइफल और बारूद भरने की कूपी मौजूद है और लोग इनके दर्शनों के लिए दूर दूर से यहां पर आते हैं।